हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स, और आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक का कोणीय संवेग। तो देखिए, नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिन्हें हम सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो जो नाभिक का कोणीय संवेग है, ये न्यूक्लियॉन जो विभिन्न ऊर्जा स्तर और कक्षकों में स्थित होते हैं, इनकी कक्षीय और जो चक्रण कोणीय संवेग है, इनके सदिश योग के बराबर होते हैं। इसलिए इसे हम नाभिकीय चक्रण या नाभिकीय स्पिन भी कह देते हैं। इसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब लास्ट टाइम हमने एक ग्राफ भी देखा था कि जो नाभिकीय कोणीय संवेग है उसको हम निम्न तरह से डिनोट कर सकते हैं। नाभिकीय त्रिज्या है और ये नाभिकीय आवेशन है। देखिए, दो वैल्यू है इसमें, तो रो जीरो पे और एक रो जीरो बाई टू पे। तो देखिए, जो 90% जहां त्रिज्या की वैल्यू है, 90% है वहां ये अधिकतम है, और त्रिज्या के हाफ मान पर जो नाभिकीय आवेश घनत्व है ये क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है। यानी कि जो संवेग एक तरह से संरक्षित राशि है, तो जो नाभिकीय संवेग है वो भी क्या रहता है, संरक्षित रहता है। देखिए, जो नाभिक का कोणीय संवेग है वो चक्रण संवेग और जो इसके कक्षीय संवेग दोनों के योग के बराबर होता है। तो इसे हम जो चक्रण संवेग क्या होता है कि प्रत्येक न्यूक्लियॉन यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली एक्स के सापेक्ष जो चक्रणीय गति के कारण जो संवेग उत्पन्न होता है उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं कि रूट एस का मॉडुलस इक्वल टू रूट एस एस प्लस वन एस क्रॉस, जहां एस एक चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम संख्या होती है। अब यदि दिया हुआ जो चक्रण है वो जेड एक्स के समांतर होता है तो ये होता है हाफ एच, और यदि जो दिया हुआ चक्रण है वो जेड एक्स की प्रति समांतर होता है तो इसकी वैल्यू होती है हाफ एच क्रॉस, जहां एच क्रॉस क्या होता है, एच बाई टू होता है। अब कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है कि प्रत्येक न्यूक्लियॉन का नाभिक के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष कक्षीय गति के कारण उत्पन्न जो कोणीय संवेग होता है उसे हम एल से डिनोट करते हैं। तो एल वेक्टर इक्वल टू होता है रूट एल एल प्लस वन एच क्रॉस, जहां एल कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या होती है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक होती है। अब जेड एक्स के सापेक्ष इसके 2l प्लस 1 अभिविन्यास होते हैं, यानी कि ये माइनस एल से लेके एल तक, यानी माइनस एल एल माइनस एल माइनस वन माइनस एल माइनस टू माइनस 1, 0, 1, 2 से लेके कंटिन्यू होती है। अब नाभिक के केंद्र से कुछ दूरी पर जो नाभिक का घनत्व है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता जाता है और सतह पे आके क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी कि सतह को छोड़कर जो और बाकी सभी जगह जो नाभिक का घनत्व है लगभग समान रहता है, लेकिन नाभिक के केंद्र से ऐसी दूरी जहां नाभिक घनत्व तो आधा रह जाता है उसे हम नाभिकीय त्रिज्या कहते हैं। और इसके लिए जो एक मॉडल दिया जाता है कि r इक्वल टू r जीरो a बाई टू की पावर 1/3 होता है, यानी कि r इस प्रोपोर्शन में होता है a बाई 1/3 के, और r जीरो जो कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1.2 से 1.3 फर। तो लास्ट टाइम हमने जो r की वैल्यू भी कैलकुलेट आई थी वो आई थी 2 × 10^17 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये कुल कोणीय संवेग कि प्रत्येक न्यूक्लियॉन का कुल कोणीय संवेग उसके कक्षीय और जो चक्रीय कोणीय संवेग है यानी कि जे इक्वल टू एल प्लस एस सदिश योग के बराबर होता है। यदि इसका हम परिमाण लें तो ये आता है रूट जे जे प्लस वन एच क्रॉस, इक्वेशन 4 आती है, जहां जे कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है जिसकी वैल्यू होगी हाफ, यानी कि पूर्णांक नहीं होगी, 1/2, 3/2, 5/2 इस तरह से होगी। और जेड एक्स के सापेक्ष इसके
टू जे प्लस वन अभिन्यास होंगे, यानी कि इसकी वैल्यू माइनस जे माइनस वन माइनस जे माइनस टू माइनस जे माइनस टू माइनस जे माइनस सॉरी जे माइनस वन और जे इस तरह से होगी। अब नाभिक का कुल कोणीय संवेग या नाभिक स्पिन क्या होता है कि नाभिक में बहुत सारे न्यूक्लियॉन होंगे तो उनका जो कोणीय संवेग सभी न्यूक्लियॉनों के कक्षीय संवेग और चक्रीय संवेग के सदिश योग के बराबर होगा। तो इसका हम परिमाण लिखें तो ये होगा आई वेक्टर इक्वल टू रूट आई आई प्लस वन एच क्रॉस, जहां आई कुल संवेग क्वांटम संख्या है या इसे हम नाभिकीय स्पिन भी बोलते हैं। अब यदि जो एटॉमिक नंबर है इसकी वैल्यू यदि सम है तो जेड या एन कोई एक विषम होगा तो आई की वैल्यू आती है एच अपॉन में टू पाई, और यदि ए विषम है तो एन सम होगा या जेड विषम होगा या फिर जेड सम होगा तो एन विषम, तो आई आता है एच अपॉन में टू पाई, यानी कि इसकी वैल्यू अर्ध विषम गुणज जैसे वन बाई टू थ्री बाई टू इस तरह से होगी। अब इसके टू आई प्लस वन अभी विन्यास होते हैं तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो होंगी प्लस माइनस आई माइनस वन प्लस माइनस आई माइनस टू, ऐसे ये कंटिन्यू होंगी। अब जो नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सम हो यानी कि जेड सम हो एन सम हो तो ऐसी कंडीशन में जो आई है उसका मान सदैव शून्य होता है, यानी कि अब कुछ जो विषम ए न ए वाले नाभिक होते हैं जिनमें जेड या एन की कुछ विशेष मानों के लिए जैसे कि 2, 8, 20, 28, 50, 82, 186 इनके लिए जो नाभिकीय संवेग है उसमें एक उछाल आता है, ऐसी संख्याओं को मैजिक संख्या या स्थायित्व संख्या कहते हैं। इन्हें हम आगे अलग से डिटेल से भी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।